नमस्कार, नमस्ते, सभी लोगों का स्वागत है मेरा चैनल में फिर से। आज का प्लान क्या होने वाला है? दिन इतना सुंदर है तो ऑब्वियसली आज तो बाइक राइड तो बनता है, तो वही सोच के अभी हम प्लान बनाए कि हम लोग पुदुंग फार्म जाएंगे। उधर शायद एटीवी भी है और रिसोर्ट है, तो वही देखना चाहते थे कि क्या है उधर, तो इसीलिए हम चल पड़े, अभी निकल पड़े। अभी फिलहाल निकल ही तो गए नहीं है, बस अभी बाहर जाके अब देख रहे हैं कौन कौन जाएगा कौन कौन नहीं जाएगा, तो वो कंफर्म करके आप लोगों को जरूर ये वीडियो में टैग करूंगा। तो फिर प्लीज बने रहिएगा और तब फेरी भन्दैछु है, इन्जॉय गरिदिनुहोस् होला है, मजाले हेरिदिनुहोस्। पुदुङ फार्म जाने कुरा चाहिँ हो, पुदुङ भन्ने तपाईँको कालिम्पोङ दिङ अलिक ओह्रालो, कालिम्पोङ पुग्नु पनि पर्दैन, बाह्र माइलदेखि चाहिँ अलिक यसरी ओह्रालो छड्के रेलीपट्टि जानुपर्छ हो। तपाईँहरू हेरिदिनुहोस् होला है। जैसे आप देख सक रहे हैं अभी रेडी हो गया है, सोनू भी पीछे भी जा रहा है, आज का कैमरामैन कमेंटेटर और माइक, सॉरी वो क्या बोलते हैं, मेरा भाई का बैग में डाल दिया था तो वो माइक मिला नहीं, तो शायद आवाज शायद थोड़ा खराब आ सके, तो फिर भी आप लोग बने रहिएगा हम लोग का कैमरामैन सोनू के साथ। From here we can see 6 mile। तो अभी ऐसे काम हो रहा है इधर, अभी ऐसे काम हो रहा है इधर, लड़का लोग अच्छे से काम कर रहा है। From this way we can go for a shop। पर कोई बदली कभी कहीं कर दे। पर मैं रुका नहीं कभी खुद से भी, मैं मिला नहीं एक मिला तुम्हें, मैं खफा नहीं। शहर एक से गांव, एक से लोग, एक से नाम, एक ओ, 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 फिर से चला। ये है आपका मिट्टी जैसे सपने, ये कितना भी पलकों से सबने क्या कहूँ, किस तरह से मैंने छोड़े हैं, छोड़े हैं साथ चले हम चले के उड़े। फाइनली हम लोग फिर आ गए गाड़ी के पास, किन कराउनु भएको किन कराउनु भएको यसै करा गर्ने ए म त काम होला भनेर हम लोग घुम के आए, लेकिन उनको कोई काम नहीं है फिर भी बुला लिया। एक सुन भी है पेदुंग का रूट, अभी जो हाईवे नया बन रहा है, जो अभी हाईवे जो नया बन रहा है वो इससे कनेक्ट होगा आपका। क्या है पता, हवा ले ही जाए तेरी हो, खींचे तेरी यादें, तेरी यादें तेरी हो, रंग बिरंगे बहनों में उड़ता हूँ।
रहा। ये जो रास्ता देख रहे हैं यहाँ पे एक्सीडेंट विशेष होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक बिना हेलमेट ऐसे चल रहा है विदाउट मास्क। हाँ विदाउट मास्क विदाउट हेलमेट इंडिया है क्या, कभी कुछ भी हो सकता है, फिर भी लोगों को समझना चाहिए। ये देख रहे हैं रास्ते का हालत, लग रहा है धान रोक दू तो धान भी निकल आएगा, ऐसा है, रुकना पड़ रहा है ऐसे। और हम लोग अंडरस्टैंडिंग में चलना पड़ता है पहाड़ में, पहाड़ में ऐसा ही है, क्या करे, हाईवे बोलता है, हाईवे के नाम पे कुछ भी नहीं है। रास्ता का हालत देख ही रहे हैं, और इससे जो ऊपर वाला रास्ता है आप लोग नहीं देखे तो वो तख्ता वाला ब्लॉक में देख सकते हैं जो अनबॉक्सिंग है। उस रास्ते में जो डेली वाले का सफर है वो पूरा स्मूथ रास्ता है, लेकिन ये पूरा खराब हो चुका है, जगह जगह तो लग रहा है कि सीढ़ी बना हुआ है। इस रास्ते से आज बहुत दिन बाद मैंने सफर तय किया, नहीं तो मैं वैसे ज्यादातर आपका ऊपर वाले रास्ते से जाता। देख रहे रास्ते का हालत, ये देखो इस रास्ते से आप विद्यांग जा सकते हैं, इसका भी ब्लॉक आएगा बहुत जल्द आपके पास। रिड्यूस्ड हेयर, पता नहीं कुछ कीड़े ने काट लिया है, इसीलिए थोड़ी देर के लिए रुके हैं। कोई कीड़ा घुस गया था शायद शर्ट के अंदर से। बाइक में चलते वक्त फील नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे रुकने के बाद पता लगा वेदर बहुत गर्म है, यहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा है, लाभा की तुलना करें तो वहां से बहुत ज्यादा है। यहाँ पे मेरा दोस्त भी आ चुका है सिलीगुड़ी से आ रहा है, वो हम लोगों को देखने के लिए आया था, वो मैंने उससे बोला था कि कीड़े ने खा लिया है, उससे लगा होगा शायद कोई स्लोगन। वो भी चिंता की वजह से वो कीड़ा देखने के लिए आ गया, वो आगे निकल रहा है वही है। रास्ता अच्छा है लेकिन छोटा है, इसलिए सावधानी थोड़ा बहुत करना पड़ता है, आगे से गाड़ी कब आ जाए, यहाँ का पेड़ हॉर्न भी नहीं लगाता है। रास्ते से आप कालीपुर जा सकते हैं, यहाँ से तो आप लोगों को पता ही है रेली जा सकते हैं। साइन बोर्ड देखा, ये बुदुम फार्म का आपका साइन बोर्ड, यहाँ से आप रेली जा सकते हैं और इधर ये रोड से आप तुलना करे तो बहुत ज्यादा छोटा अच्छा है, रोड अच्छा होना चाहिए, छोटा तो दिमाग में होता है। ये जगह देखने के बाद देख
थोड़ा याद आ रहा है, सुखाना सफर और ये मौसम। ये रेस्टोरेंट है आपका, पता नहीं पहुंचने वाले हैं लग रहा है मुझे। पहुंच गए। वी रीच आवर डेस्टिनेशन। आप देख सकते हैं फाइनली हम लोग मंजिल के पास आ गए। ये मेरा दोस्त छिंगदो जी, ये ब्लॉगर, आप लोगों का ब्लॉगर, और मुझे तो पहचान, मतलब मुझे तो पहचानते ही होंगे, नहीं पहचानते तो आपको बता दूं, myself villain। जैसे आपको सोनू रास्ता दिखा दिया होगा, अभी हम लोग पहुंच गए पुदुंग फार्म। ओ ये हेलमेट पकड़ी थी सोनू, नाम तो सुना ही होगा विलेन। तो हम किस लिए आए आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में, प्लीज बने रहिएगा। और इधर क्या है एक्साइटिंग वो दिखाने के लिए हम आए थे इतना दूर, तो आप लोग बने रहिएगा। अब थोड़ा सा आप लोगों को रेस्टोरेंट का व्यू दिखा दे, अंदर क्या है वो इंटीरियर दिखा दे, फिर उसके बाद हम लोग ब्लॉग को आगे बढ़ाएंगे। देख सकते हैं नेचुरल स्ट्रीम का कितना अच्छे से वो लोग इस्तेमाल किए हैं। थोड़ा शायद मछली वछली रख देते तो और अच्छा सुंदर दिखता। तो ये है आपका एंट्रेंस फार्म के लिए। तो अभी अंदर इधर से घुस के हम लोग शायद रेस्टोरेंट में आपको दिखा देंगे। ये सब लकड़ी का बना है। तो देखने को आ रहा है कि स्विमिंग पूल भी है शायद इधर। स्विमिंग पूल है तो अच्छा है, क्योंकि बहुत दिन से हम स्विमिंग किए नहीं है ढंग से। हम लोग अभी ये रास्ता से होके आए हैं, तो लग रहा है ये रेस्टोरेंट, क्योंकि सामने उस टाइम सोनू दिखाया था आपको, हम लोग जब आ रहे थे इधर से रेस्टोरेंट ये रास्ता दिखा रहा था, तो रेड कार्पेट से पूरा चल के आना था। हम लोग ये चोर रास्ता से आए हम लोग। तो आपका रेस्टोरेंट का व्यू, तो अभी हम लोग फिलहाल पहुंच गए रेस्टोरेंट, तो आप लोग देख ही सकते हैं बहुत स्पेशियस है, और व्यू के साथ सुंदर नजारा भी है, आप लोग को दिखा देते हैं हम। तो आपको ओपन चाहिए उस तरफ है, आपको थोड़ा क्लोज चाहिए आप अंदर बैठ सकते हैं, तो बहुत सारा ऑप्शंस है आपके पास। और इधर से आपको दिखाई दे रहा है नीचे रैली, वो नीचे आपका रैली नदी। तो जब हम लोग बचपन में स्कूल में हम लोग इधर ख्यालमबुंग पढ़ते थे, तो हम लोग आते थे इधर ऐसे सैटरडे संडे आपका स्विमिंग वूमिंग करने के लिए, थोड़ा मस्ती करने के लिए। तो अभी आप लोग देख सकते हैं फ्लोरिंग भी इतना अच्छा है, मतलब ये सब वुड्स है, तो छोटा छोटा जो पेड़ होता है उसको काट काट के अभी फ्लोरिंग किया है, एकदम अच्छा दिख रहा है। तो फिलहाल में अभी बीच में कुछ डाले नहीं है, अगर कुछ डालने से एकदम मस्त दिखेगा, मेरा सोच से मेरे को वैसा ही लगता है। सो ये है आपका एक्सटीरियर रेस्टोरेंट या जो भी बोले, एकदम ओपन है। और उधर से आप देख सक रहे हैं उधर स्कोप भी है, तो उससे देखते हैं क्या नजारा देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये इधर से आप लोग को नीचे का वो जगह रास्ता वगैरह दिखाई देता है, तो आपको शायद दिखाने का हम कोशिश करेंगे, पता नहीं कितना सुंदर आएगा।
वो होता नहीं है क्योंकि वो बहुत उजाला हो जाता है। तो बेसिकली इधर का ये पहाड़ वहाड़ क्या बोलते हैं आसपास में जो भी है वो अच्छे से देखने को मिलता है। दिस इज द मेन्यू ऑफ द रेस्टोरेंट विच में चेंज आप लोग जब आओगे तब शायद ये चेंज हो चुका होगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल यही है। आप लोग देख सक रहे हैं मतलब रेस्टोरेंट का वाइब इतना अच्छा है, मतलब अभी का सब यंगस्टर्स लोग आके इधर दे चिल आउट आके अपना मौज मस्ती करते हैं, खाना वाना खाते हैं, मतलब सिंगिंग सेशन करके पूरा निकल जाते हैं वो लोग। आई एम श्योर देर आर बंच ऑफ गाइज हु आर स्टडिंग ओवर हियर, तो ऐसे इंजॉय कर सकते हैं आप लोग भी आके। तो आप लोग देख सकते हैं मतलब पूरा KFC का फील आ रहा है, मतलब यू सीइंग द क्रिस्प, यू सीइंग दैट डीप फ्राइड चिकन, मतलब एकदम पूरा KFC का फील आ रहा है। सो दिस इज आवर स्नैक्स, वी आर जस्ट स्टार्टिंग। तो उस टाइम हम बोले थे आप लोग को कि एक सरप्राइज है, मतलब क्या है क्या नहीं है आप लोग को बोलने वाला था। तो फिलहाल अभी हम उधर ही जा रहे हैं, आप लोग बने रहिएगा व्लॉग में, आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगा जो हम अभी करने वाले हैं। इट्स सॉर्ट ऑफ एडवेंचर, मे बी आप लोगों को जो ठीक लगे वो समझ लीजिएगा, लेकिन आपको दिखाएंगे हम कहाँ पे जा रहे हैं अभी। जिप लाइनिंग में डोल रही हूँ, ये था सरप्राइज, लेकिन अफसोस अभी आपका क्या बोलते हैं कोविड का वजह से अभी सब बंद पड़ा है, वही बोल रहे हैं। अभी शायद इधर से जो भी होगा आप लोग करेंगे, अभी जरूर करेंगे हम लोग। आप लोग जब आओगे इधर तो ये है पुदुंग फार्म एडवेंचर राइड्स, सो आप लोग को इधर से ये फॉर्म मिलेगा, और मेरा भाई अभी सिंस इज अ स्पॉन्सर सो उसका नाम है, तो इधर ओके। और पीछे क्या क्या कर रहे हैं उसका सब टोटल करके वो लोग आपको वैल्यू दे देंगे। तो पिनबॉल के लिए हम लोग बोले हैं, तो देखते हैं क्या होता है। सो दिस इज इट, दिस इज द फॉर्म। वेल उस टाइम भी हम दिखाए थे बहुत सारा चीज है इधर करने के लिए, लेकिन ये ट्रैम्पोलिन बच्चा लोग के लिए जैसा लगा राफ्ट नहीं है बोल रहा है, क्योंकि बारिश का मौसम है अभी, वाटर रोलर भी नहीं है। और जिप लाइन तो आप लोग को दिखा देते हैं कि जिप लाइन ऐसा है, तो कैसे कर सकते हैं आप, एकदम बच्चा हो जाएगा जैसे आप देख रहे हैं इधर ट्रैम्पोलिन एक जन कर रहा है, तो उतना उछलना तो अब शायद मेरा उम्र भी हो गया होगा वैसा उछल नहीं पाएंगे हम, क्योंकि उम्र के हिसाब से होता है। तो अभी के लिए फिलहाल हम लोग बो एन एरो लिए है, एयर राइफल लिए है, और ये ATV राइड लिए है, अब वो सस्ता वाला लिए है, वो 200 रुपया वाला है। सो पेन बॉल के लिए बोले हैं तो होप फॉर द बेस्ट, अभी फिलहाल मौसम भी ठीक नहीं है, तो ATV कर लेते हैं। तो और मेरा भाई भी ट्राई कर रहा है इधर, पता नहीं क्या ट्राई कर रहा है, वो इसका फेवरेट है, बचपन का बाइक, बचपन उसका ड्रीम बाइक, बचपन का प्यार बोल रहा है। तो फिलहाल मेरा भाई है दोस्ती ऑन द राइट, तो हम लोग लिए थे जो 200 वाला, तो वो छोटा था, वो मिनी था, बच्चा लोग के लिए था, तो इसीलिए हम लोग ये कैंसिल कर गया, अभी बड़ा वाला लिए हैं, दिस इज द बिग वन, और ये छोटा वाला है। तो अभी भाई कर रहा है उधर मस्ती कर रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा कितना मस्ती हो रहा है, तो ड्रिफ्ट दिखाने का ट्राई कर रहा है वो, तो नाकाम हो रहा है। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग सब हम तीनों ये करेंगे, अभी फिलहाल भाई कर ले, देखते ओवरटेक कैसे करेगा। ओ वाह वाह, ओ ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट, मेरे को लगता है ड्रिप करते करते पता नहीं है वो बाहर की तरफ चक्का के साथ निकल ना जाए। तो अभी हम फुल ऑन रिक्वेस्ट कर रहे हैं इधर जो केयर टेकर हैं, तो उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि मतलब जो एमओ जाता है पेंट बॉल जो जाता है, तो इधर वो बोल रहे हैं कि वो अभी खराब है, इसी के चलते वो कर नहीं पाएंगे, लेकिन हम फिर भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम अपने मुकाम के लिए हम जोर तोर मेहनत कर रहे हैं, आप लोग बने रहिएगा, देखते हैं आप हम लोग कर पाते कि नहीं। देख सकते हैं आप लोग, गौर से देखिए, गौर से देखिए, गौर से देखिए, वो गिव अप देने का ट्राई कर रहा है अभी, वो अच्छा नहीं है, नहीं नहीं नहीं, अली एक्सीलेटर चापे कूदा ना अंदर।
अच्छा क्या कौड़ा है उधर है सौ शायद आप लोग देख ही चुके होंगे ये एटीवी कैसे चला है, मतलब बहुत बहुत कठिन था, जैसे एक्सीलेटर बाइक का होता है वैसा नहीं था, तो मेरा हाथ इधर पूरा एकदम हाथ पूरा पंप हो गया, अभी पूरा फोरआर्म पंप हो गया, जैसे हम लोग का सोनू भाई बोल रहे हैं, वो चला भी नहीं पाया और छोड़ दिया ऐसे ही। क्यों छोड़ा? स्ट्रिंग बहुत टाइट था, स्ट्रिंग तो रेडबुल काटते ना, रेडबुल या स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वो वाला स्ट्रिंग नहीं, इसका स्ट्रिंग, अच्छा उसका स्ट्रिंग मतलब बहुत सख्त था, इसीलिए वो चला नहीं पाए, वही बोल रहे हैं, तो कभी इधर आसमान में चढ़ रहे थे और कभी इधर नाला में गिरा रहे थे, इसीलिए वो सोचे कि बेहतर होगा कि वो ना चलाए। तो आप लोग बने रहिए, अभी एक दो एक्साइटिंग बचा है। हम लोग का नेक्स्ट इवेंट है बोएनारो, आप देख ही सकते हैं, हम लोग का बॉडी बिल्डर भाई अब लेके जा रहे हैं हम लोग को नीचे, तो ये अभी हम लोग का नेक्स्ट इवेंट। सो आप लोग देख सकते हैं कि मॉनसून कितना इधर क्या बोलते हैं इधर परेशानी किया है, कितना क्षति किया, अभी आप देख सक रहे हैं कि मॉनसून कितना इधर भारी पड़ा है, मतलब इतना अच्छा पाक था, जो पाक को अभी ऐसे आप लोग क्या बोलते हैं प्लास्टिक देखे, ये बेसिकली क्या करते हैं हम लोग हिल्स में, जब जहां जो जगह में ज्यादा क्या बोलते हैं मिट्टी ना जाए बोल के हम लोग ऐसे प्लास्टिक लगाते ताकि जो पानी का बहाव है अच्छे से जा सके एक रास्ता में। तो हम लोग का नेक्स्ट इवेंट है बो एंड एरो, लगता है बहुत बहुत ही सामने से मारने को मिलेगा, ये दिस इज माय, ये मेरा बहुत क्या बोलते हैं दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो बहुत सामने है, देखते हैं अभी मार पाते हैं कि नहीं येल्लो में। तो अभी आप देख रहे हैं हम लोग को ट्यूटोरियल दे रहे हैं हम लोग का बॉडी बिल्डर भैया, तो ग्रिप ऐसे है, तो उधर डाले हैं, अब बस रोप लाइन मतलब पुल करने, बस ये स्मॉल होल करियो, बस रोप वाली पुल हाथ पर रखियो, यू मत आने से। तो अभी देखते हैं निशाना कहाँ पे लगा, लगता कंजा। तो अभी मेरा भाई ट्राई कर रहा है, तो उसका भी फर्स्ट टाइम है जैसे मेरी तरह, तो ऐसे करके, तो ये फुल ऑन ट्यूटोरियल चल रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि मतलब एरो को हल्का सा धीमी आंच से इसे पकड़ के स्ट्रिंग को लेकिन फुल खींचना, और लगा, ओ आई एम सॉरी नहीं लगा। तो अभी आया हम लोग का सोनू विलियन, तो शायद लग रहा है उसका भी पहली बार है, उसका भी पहली बार है लग रहा है मेरे को, पहली बार नहीं हो। तो आप देख सक रहे हैं ऐसे ये काला काला बना है, इधर काला में ऐसे रखना, अब ये तो महाभारत की तरह एकदम पूरा पूरा ऊपर देख के, अजय खींचना पिछाड़ी, अजय तान ना खींच, उसका तो नीचे गिर गया। तो मेरा टर्न है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। ये अबे सेकंड राउंड हमारा भाई ब्रदर, तरीका देखो तकनीक का, वाओ कहाँ कोई क्या देख सकते कौन लो। तो मेरा भाई छिरिंग दोरजी का फाइनल राउंड जो है थर्ड राउंड, ओह माय गॉड,
तो फिर ये ओलंपिक जाने के लिए रेडी है अभी। लास्ट राउंड ब्रदर का, लास्ट राउंड देखने मारने का स्टाइल देखो गुरु। अम्बो कितने तो तीसरा में क्या है कि इधर बहुत सारा मुर्गी पड़ा हुआ है, तो उसको गिराना है एयर राइफल से। तो देखते हैं कितना मुर्गी गिराएंगे हम लोग। काटे जो अभी नेक्स्ट इवेंट है हम लोग का वो है, कहाँ गया ओ इधर पीछे छुपा हुआ है, इधर है। सो इधर से शूट करेंगे, उसको फोड़ना है बस। मुर्गी नहीं है, मुर्गी नहीं है। हमको 10 शॉट मिलता है, तो हम लोग जस्ट टू मेक इट इंटरेस्टिंग हम लोग 3 शॉट इसमें मारेंगे, जिसका लगेगा लगेगा, उसके बाद 3 शॉट इसमें, और हम लोग 4 शॉट इसमें मारेंगे, जिसका लगेगा लगेगा। मतलब 10 शॉट मिलेगा, तो जो मारा वो सिकंदर। तो आप लोग देखिएगा, बने रहिएगा व्लॉग में, कौन गिराता है वो। तो अभी लग रहा है शायद बंदूक में कुछ ढील है, मतलब इधर का बुलेट उधर जा रहा है, तो वही अभी चेक कर रहे हैं। और चेक करके अभी हम लोग का बाय चिरिंग दोर्जी अब मारने वाला है एकदम पूरा शॉट लेके। तो अभी हम लोग का टारगेट है रेडबुल, तो आप लोगों को बस रेडबुल दिखाते हैं वो हिलेगा कि नहीं। बीर को लेकर राख रेडबुल में लागू छे, बीर को लागू यार। उसका बुलेट बंदूक से भी नहीं निकला, लग रहा है कोई तो मार दिया होगा। ओह माय गॉड रेडबुल। हम भी एनसीसी में बहुत किए थे यहाँ से शूटिंग प्रैक्टिस, बिगिनर्स लक बोलते हैं, इसीलिए रेड बुल पड़ गया। अभी हम एक्वाफिना के लिए जा रहे हैं। एक्वाफिना पड़ के ना लगे। तो अभी तक इवेंट किए हम लोग, एक आपका एटीवी हो गया, दूसरा हुआ आपका बो एंड एरो, तीसरा हो गया आपका राइफल। तो चौथे में हम लोग ट्राई कर रहे हैं, हम लोग को मिल जाए कुछ, तो वो जो है पेंट गन का बात कर रहे हैं, तो अभी हम रिक्वेस्ट किए हैं, तो देखते हैं कुछ होगा कि नहीं। तो हम लोग बेसिकली वो लोग देते नहीं कि 6 आदमी से नीचे हो तो वो लोग देते नहीं, तो हम बहुत रिक्वेस्ट किए हैं उनको, बहुत प्लीट किए हैं, तो उसके बाद वो बोल रहे हैं कि देखते हैं कितना होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी जो मानसून गिरा है तो जैसे बारिश होता है तो आपको पता ही है सब जगह ऐसे हरा भरा हो जाता है। तो वो बोल रहे हैं कि वो सीन का भी वो, मतलब वो जो फील्ड है उसमें बहुत ज्यादा आपका पेड़ पौधा बहुत उग गया, तो अच्छे से दिखेगा नहीं। तो हम लोग को बेसिकली क्या चाहिए था, एक्सपीरियंस चाहिए था, तो इसी के लिए, ताकि आप लोग भी बने रहे हैं, आप लोग भी है वीडियो में, तो आप लोग को थोड़ा इंटरटेनमेंट हो जाए, ताकि इधर का महफिल क्या है, मतलब इधर क्या क्या है जो आप लोग आके ट्राई कर सकते हैं, वो बस दिखाने के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, अगर मुमकिन होगा कि नहीं पेंट बॉल, तो बस आप लोग बने रहिएगा। सो बहुत मुश्किल से हम रिक्वेस्ट करके भैया जी भी मान गए हैं, तो इसीलिए अभी हम लोग गेयर अप करेंगे। सो हाँ, फिलहाल में ये सब भी चल रहा था, दिस इज आवर माउंटेन बाइक, ये तो बहुत स्टंट होता था पहले। और आप देख सकते हैं तो ये सब आप देख सकते हैं, ये सब इधर का मतलब गैरेज में पड़ा है ये सब। तो आप लोग का सूट देख सक रहे हैं, मतलब आप पूरा पबजी का फील आ रहा है शायद लड़का लोग को, मतलब ये तो आर्मी का है ही, अब इसको तो क्या फील आएगा पबजी का, उसको शायद अपना वॉरफेयर का याद आ रहा होगा, लेकिन इसको तो जरूर आएगा पबजी का फील। सन्नो विलियन। तो अभी हम भी ड्रेस करते हैं,
एक बार ड्रेसअप करने के बाद आप लोग को फिर से हम दिखाएंगे कैसा दिखते हैं हम। ये और फुली ये ड्रेसअप हो रहा तो लगाएंगे, उसके बाद गेटअप करेंगे, हेलमेट होगा, चेस्ट गार्ड होगा, क्योंकि बोलते हैं उसका पेंटबॉल का वो जो दाना लगता है बहुत पेनफुल होता है, और हम देखे भी हैं बहुत जगह वो पूरा लाल लाल दाग बना देता है। तो आप लोग बने रहिएगा, ऐसे दिखते हैं हमें दोस्त, ऐसे दिखते हैं हम। तो आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। तो आप लोग देख सकते हैं तो हम लोग का आर्मी लोग एकदम रेडी हो चुका है अभी पबजी खेलने के लिए। तो आप लोग देख सक रहे हैं हम लोग का बॉडी बिल्डर भैया फिर से हम लोग का बंदूक निकाल के रेडी हो रहा है। थैंक यू टू हिम, एटलीस्ट 10 या 20 राउंड हम लोग को फायर करने को मिलेगा। तो यही एक्सपीरियंस जो आपको शेयर करना चाह रहे हैं। तो आप लोग बंदूक देख लीजिए, सिलेंडर देख लीजिए, और बहुत नीचे जाना पड़ेगा, यही सुने हैं हम। और हम लोग जा रहे हैं। तो अभी रास्ता बहुत नीचे जाना पड़ता है, वही सुने हैं हम। आप देख सक रहे हैं मतलब अभी ये फिलहाल का मॉनसून क्या आपका प्रॉब्लम क्या है, इधर देख सक रहे हैं आप लोग पूरा मट्टी निकाल दिए हैं पूरा, इधर शायद नदी बहा होगा इसीलिए ऊपर में इधर का जो लोग हैं वो लोग पूरा प्लास्टिक मार के पानी को अपना रास्ता दिखाए थे, तो ऐसा हो गया मतलब रास्ता का जगह ही नहीं है अभी, मतलब ऐसा हो चुका पूरा बहाड़ आके। पता नहीं इधर टायर का मार्क्स दिख रहा है, मेरे को लग रहा है इधर शायद माउंटेन बाइकिंग भी होता है, मेरे को लग तो वैसा रहा है, लेकिन अभी तक हम पूछे हैं नहीं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आपका पेंट गन का फील्ड में, जहाँ पे हम लोग एक दूसरे को मारने का अभी खेल करेंगे। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो अभी रास्ता ऐसे बिगाड़ दिया देख सक रहे हैं आप लोग, अभी फिलहाल का मॉनसून इतना बिगाड़ करके बैठा है, मतलब ये था आप लोग का इधर से ऐसे छुप छुप के हम लोग मारेंगे, और किसको कितना लगेगा वो पता नहीं है। तो आप लोग अभी इधर का मैप दिखा देते हैं, अब क्या करें, ड्रोन तो है नहीं मेरे पास फिलहाल, अभी बहुत एमेच्योर है अभी वीडियो करने में, तो ड्रोन है नहीं तो ऊपर से आपको शायद अच्छा दिखता कि कैसा है ये। तो आपका पेंट बॉल का यही है फील्ड, अभी हम लोग का युद्ध इधर ही होगा। अभी आप देख सक रहे हैं मतलब ये लेवल 3 का वेस्ट तो जरूर होगा। तो अभी इधर भी ट्यूटोरियल हो रहा है, हम लोग का बॉडी बिल्डर भैया अभी दिखा रहे हैं कैसे लगाना है, अभी शायद एक जन को लगा के दिखाएंगे वो। तो हम लोग का सोनू विलेन है, उसको लेवल 3 का वेस्ट मिल गया, उसका आर्मर बढ़ गया अभी। लेकिन हमको बॉडी में मारने का आदत नहीं है, सिर्फ हेडशॉट मारते हैं हम। और ये हमारा भैया ब्रदर ब्लॉगर अभी रेडी हो रहा है, वेस्ट लगा रहा है। तो अभी आप देख सक रहे हैं मतलब ये लोग को मारने का कितना मन है, मेरे को एकदम रेडी हो चुका है अभी, तो एकदम फट करके हम फरान करके मार देंगे अभी, हम देख रहे हैं आप। तो अभी फिलहाल ट्रायल हो रहा है, गन का ट्रायल हो रहा है, मतलब गैस वैस पूरा फील करके शायद हम लोग मैच खेलने वाला आप लोग को शायद दिखा ना सके, फिर भी हम ट्राई करेंगे। सिंह दोजी सोनू सब सोलो, सोलो 1v2 मतलब वो आर्मी का है तो बंदा अकेला चलेगा, हम दोनों एक साथ करेंगे इसके साथ लड़ाई। मतलब आप सुने क्या, आप सुने, आप देख रहे हैं मतलब आप देख सकते हैं। तो ये बुलेट है अभी, मतलब बुलेट का साइज देख रहे हैं आपको, अभी एक साइज दिखाएंगे बुलेट का। ओह माय गॉड दिस इज हार्ड मैन, मतलब सख्त है पूरा, देख सक रहे हैं मतलब साइज क्या है, मतलब ये ऐसे करके फटाक करके मुंह में लगा ना बस।
कहाँ यहाँ त्यति गएको मलाई बिमा दाजु त यहाँ सर मात्रै हौ त्यसमा मात्रै क्रसन फोन आम्मा हेपी हेलमेट ग्लास नखोल है अगाडि नजाऊ के हो ये था आपका द मेन इवेंट और हम एक बॉल भी लेके आए हैं, मतलब इधर का भैया लोग बोले इसको पानी में नहीं डालने के लिए, जस्ट एज अ रिमेम्बरेंस हम उठा के लेके आए हैं। और तो मतलब इसको बहुत मिला सोनू को बहुत मिला, बहुत मार मिला उसको, पता नहीं कहाँ कहाँ से मारा छिरिंग दोरजी। मेरे को तो लगा नहीं मैच में, लेकिन जब हम मेरा मतलब क्या बोलते हैं बुलेट खत्म हो गया था तो बंदूक ऐसे उठा के हम जा रहे थे, तब वो चांस में, इतना चांस में उसको पता है कि मेरे पास बुलेट नहीं है, तो तब वो मारा मेरा इधर लगा और एक बुलेट इधर भी लगा था मेरा। दिमाग उसको 70 बुलेट मिला था और हम लोग बस 40, तो मतलब फायदा देख सकते हैं कौन कौन था फायदा में। दुश्मन का गोली खत्म होने तक वेट करो तब मारो, मतलब देख रहे हैं आप समझ रहे होंगे मतलब फौजी कौन है सिविल कौन है, मतलब सीधा साधा लड़का को ऐसे ही मार दिए लोग। सबसे ज्यादा मिला है सोनू को, वो तो रो भी रहा था आप लोग सब इंजॉय किए होंगे जैसे हम लोग इंजॉय किए, मेरे साथ शायद आप लोग भी इंजॉय किए होंगे। प्लीज ऐसे बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब बटन बंद होगा प्लीज सब्सक्राइब, हाँ तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, जो भी नया लोग जुड़े हैं चैनल पे, ऐसे आप लोग का प्यार देते रहिएगा मेरे को। तो इतना बोल के मेरा व्लॉग एंड करना चाहता हूँ, सो पीस। सो दिस इज माय ब्रदर निंगमा, सो एवर इफ एवर यू कम ओवर, सो ही इज द पर्सन इन चार्ज, he's a very helpful guy, that's what I've known in this few hours that I've been here, so please do contact him। aur aap log please aaiyega dekhiyega hum log ka sundarta kitna bana hai, matlab pahad hai, matlab aap log ka ghumne ka jagah hai, to aap log aaiye adventure bhi dekhiye kitna milta hai maar wo samjhiye। to itna bolna chahta hu, so please hope you liked it, bane rahiyega तपाईँलाई मजा आयो होला है, बस यसरी नै तपाईँहरू बनिरहनुहोस् है दर्शकवृन्दहरू है, यहाँ हेर्नुहोस् बिचरा बिच्किरहेको छ हो, टाउकोमै भेटेछ सुरु सुरुमै, सुरु सुरुमै ऊ छिरिङ दोजीले गएछ टाउकोमै हो।